YouTube चैनल धीरज और मैं SSC में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3। तो पहला सवाल कह रहा है, दो चरों वाले, दो चर यानी x और y निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचना है, यानी आपको हमको यहाँ पर ग्राफ द्वारा बताना है। तो यहाँ पर कह रहा है, पहला सवाल, पहला पार्ट कह रहा है x प्लस वाई प्लस चार। तो देखिए, इसका मतलब है कि अगर x और y को जोड़ा जाए तो कितना आना चाहिए, चार। इस प्रकार से हमको आलेख बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने ब्रैकेट मान लेते हैं, तो यहाँ पर तीन या चार कम से कम मान निकाल लेना चाहिए। तो देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक मान तो अपने मर्जी से निकल रखते हैं और दूसरा मान उसके संगत आ जाता है अपने आप। तो देखिए, जिसे मान लेते हैं x का मान हमने एक रखा, ठीक। तो जब हम यहाँ पर x की जगह एक रखेंगे तो अब आप बताएं कि y की जगह कितना रखें कि चार आ जाए, यानी y की जगह हमको तीन रखना होगा, तभी एक और तीन कितना हो जाएगा, चार, ठीक। अब बात करते हैं दूसरा, अगर x की जगह दो रख दें, ठीक, एक मान अपने मर्जी से रखते हैं, दूसरा मान उसी के संगत आता है, यानी वहां पर मन नहीं चलेगा आपका, तो x की जगह जब हम दो रखेंगे तो y की जगह अब हमको कितना रखना होगा कि चार आ जाए, यानी दो। तो यहां पर लिखेंगे दो। फिर अगर बात करते हैं x की जगह पर हम तीन रख दें, ठीक, तो y की जगह कितना रखना होगा हमको, एक रखना होगा, यानी x की जगह अगर तीन रख दें तो y की जगह कितना रखना होगा हमको, एक रखना होगा। अब हमने ये रख लिया, ठीक। अब अगर बात करते हैं, जब हम इसका आलेख खींचेंगे तो अगर हमने मान सही तरीके से रखा है तो एकदम सीधी रेखा बनेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक कामा चार की, यानी x पर कितना जाना है, एक, और y पर कितना जाना है, चार। तो ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, ठीक। अब ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, और ये x डैश और ये, सॉरी, ये y डैश और ये x डैश होता है। अब देखिए अच्छे से समझना, एक कामा चार यानी सबसे पहले x पर चलते हैं फिर y पर। तो सबसे पहले एक पर जाएंगे, यानी जीरो से एक पर, वो भी किस अक्ष पर, x अक्ष पर। फिर आपको कहाँ जाना है, y पर चार, तो चार जाना, यानी चार ऊपर, देखिए ये y अक्ष है तो प्लस का चार है ना, तो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ, लेकिन कहाँ से, जहाँ पर पहुँच चुके हैं। देखो, सबसे पहले हम x पर चले एक, फिर y पर जाना है एक, दो, तीन और ये चार, यानी यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एक कामा चार। अच्छे से समझ गए कि x पर पहले एक दाहिने तरफ, फिर ऊपर की तरफ चार गए। अब बात करते हैं x पर दो चलना है और y पर भी दो चलना है, अच्छे से समझना, ये x अक्ष है और प्लस का दो चलना है, तो x पर पहले दो पर यहाँ पर पहुँचे और फिर y पर दो चलना है, y पर यानी दो चलना है, तो माइनस का होता तो नीचे की तरफ आते और प्लस का है तो ऊपर की तरफ, तो यानी दो चलना है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक। फिर कह रहा है x पर चलना है तीन और y पर चलना है एक, तो x पर देखो अच्छे से समझो, ये x अक्ष है, एक, दो, तीन यहाँ पर पहुँचे, फिर y पर कितना चलना है, एक, यानी ऊपर की तरफ कितना जाना है, एक कदम, ठीक। अगर हमने मान सही रखे हैं तो ये एकदम सीधी रेखा में होना चाहिए, यानी किसी भी कोई ऐसी सीधी रेखा जो इन तीनों बिंदुओं को काट देगी, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं एक पॉइंट और, अगर आगे हम और मान लेते हैं, तो देखिए अगर x की जगह हम चार रख दें, यानी यहाँ पर चार रख दें, तो y की जगह कितना रखना होगा, जीरो। तो यानी y की जगह कितना रखना होता, जीरो। तो देखिए अब यहाँ पर अच्छे से समझो, x पर कितना चलना है, चार, तो देखो x अच्छे, एक, दो, तीन, चार यहाँ पर पहुँचे, और y पर कितना चलना, जीरो, यानी हमको ऊपर नीचे जाना ही नहीं, यहीं पर रुक जाना है, ठीक। तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे, चार कामा जीरो। तो ये जो हमारी आलेख खींच गया, अब इस पर समीकरण का नाम लिख देते हैं, जब बना देते हैं उसके बाद लिखेंगे x प्लस वाई बराबर चार, यानी ये समीकरण कौन सा था, x प्लस वाई बराबर चार था। दूसरा पार्ट
कह रहा है यक्स माइनस वाई बराबर दो। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यक्स या वाई किसी को भी मान सकते हैं और दूसरा मान संगत होता है। किसी को भी मान सकते हैं, तो जैसे हमने पहले वाले सवाल में यक्स माना था, आप वाई को भी मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर हमने वाई बराबर एक माना, तो उसका देखिए वाई की जगह अगर एक लिखे तो बताओ कितने में से एक घट जाए कि दो आ जाए, तो वो संख्या होगी तीन। अगर तीन में से एक घट जाए तो दो आ जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे तीन। फिर कह रहा है अगर अच्छा एक चीज़ समझो, अब अगर y की जगह हम दो रख दें, ठीक, यानी y की जगह दो, यानी कितने में से दो घटाया जाए ठीक कि दो आ जाए, तो वो संख्या है चार, यानी x का मान कितना आ जाएगा चार। फिर बात करते हैं अगर y की जगह तीन रख दें, यानी तीन रख दिया तो यानी कितने संख्या में से तीन घटाया जाए कि दो आ जाए, तो वो संख्या है पाँच। ठीक, हमने बताया कि किसी को भी आप पहले मान सकते हैं। अब आते हैं आलेख पर, तो सबसे पहले कह रहा है यक्स पर तीन चलना है और वाई पर एक। तो देखिए यक्स अच्छी ये है और वाई अच्छी ये है, तो यक्स पर कितना चलना है प्लस का तीन, यानी देखिए पहले यहाँ से हमने स्टार्ट किया एक दो तीन यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अभी हमको वाई पर एक चलना है, यानी एक चलना है यानी वाई एच ऊपर जाना है या तो फिर नीचे, लेकिन यहाँ पर प्लस का एक यानी ऊपर की तरफ जाना है। तीन पहले चल चुके हैं, अब एक जाना है ऊपर, यानी हम कहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ पर, यहाँ पर। इसका मतलब यक्स पर हमने तीन चला और वाई यानी एक, पहले वाला एक्स होता है बाद में वाई। फिर कहते हैं फिर देखते हैं यक्स पर चार चलेंगे और वाई पर दो। तो देखिए पहले एक दो तीन चार यहाँ पर हम पहुँचे, ठीक, और फिर वाई पर हमको कितना जाना है दो, यानी एक और फिर ये दो, ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा चार कामा दो। फिर कह रहा है अगर यक्स पर चलेंगे हम पाँच, यानी एक दो तीन चार पाँच, और वाई पर चलेंगे तीन, तो देखिए एक दो और ये देखिए इसके सुधान में तीन, तो इसका नाम हो जाएगा पाँच कामा तीन। तो देखिए क्या ये हमारी सही हमने माना है, तो देखिए ये एक ही रेखा द्वारा तीनों बिंद काट देंगे और इस आलेख का नाम क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई बराबर टू, ये हमारा आलेख हो जाएगा। देखते हैं पॉइंट नंबर इसका तीसरा, देखते हैं वाई बराबर तीन एक्स। तो देखिए ये क्या है, ये तीन गुना है, ये जो वाई है यक्स का तीन गुना है, जैसे हमने इससे पहले कई बार समझाया, जैसे यहाँ पर 30 है ये 10 है, तो इसका तीन गुना है, लेकिन जब इसको बराबर करना होगा यानी तीन से इसमें गुणा कर देंगे तभी ये हमारा बराबर हो पाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर अच्छे से समझते हैं, ये जो वाई है यक्स का तीन गुना है। अब देखिए अब किसको मानेंगे, अगर हम यक्स बराबर जीरो मानते हैं तो इस वाई तीन गुना है ना यक्स का, तो इसको जब तीन से गुणा करेंगे यानी तीन जीरो जीरो, इसका मान भी जीरो आएगा। अच्छा अगर यक्स का मान एक है, ठीक, तो यक्स का मान अगर एक है और वाई जो है यक्स का तीन गुना है तो ये तीन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यक्स की जगह यानी तीन गुणे एक, तो यानी वाई का मान कितना आ गया तीन। अच्छा अब अगर दो रख कर देखते हैं, तो दो जब रखेंगे, ठीक, दो जब रखेंगे और इसका तीन गुना करेंगे तो देखिए तीन गुणे दो यानी कितना हो जाएगा वाई बराबर, तो वाई बराबर आ जाएगा छः, तो यहाँ पर लिखेंगे छः, ठीक। अब देखते हैं इसको जब हम बनाएंगे, ठीक, आलेख जब इसका खींचेंगे तो अगर हम चाहे तो दो ही पॉइंट यानी एक और दो पॉइंट से भी काम चला सकते हैं, या चाहे तो हम तीन चार आगे बढ़ा दें कहीं लिख सकते हैं। अच्छा आप देखते हैं ड्रा करते हैं इस आलेख विच से, तो देखिए यहाँ पर लिखा है यक्स का मान जीरो, यक्स का मान जीरो और वाई का मान भी जीरो है, तो वो निर्देशांक है ये, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग होता है जीरो कामा जीरो से, तो ये पॉइंट है हमारा ये वाला, ठीक। फिर कह रहा है यक्स पर एक और वाई पर कितना तीन, यानी यक्स अच्छ कौन है ये वाला, तो इस पर एक चल रहा है अभी प्लस का, तो यहाँ पर आएंगे, फिर वाई पर हमको कितना चल रहा है तीन, तो कहाँ जाना है ऊपर एक दो और ये तीन, तो ये हमारा मेन पॉइंट हो गया, इसका निर्देशांक कहेंगे हम एक कामा तीन। फिर कह रहा है दो कामा छः, यक्स पर कितना दो एक दो और वाई पर कितना जाना है छः,
तो वाई कौन है, ये अच्छे यानी या ऊपर जाना हो गया, तो फिर नीचे ये प्लस का छः यानी ऊपर जाना है। कहाँ से? दो कामा छः यानी एक दो यहाँ पर आए, फिर ऊपर जाना है एक दो तीन चार पाँच और फिर ये छः, ठीक, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हो गया। अब देखिए हमने जो बिंदु रखे हैं इनको एक उससे जब मिलाएंगे तो एक ही रेखा में होंगे, ये ना तो इधर जाएंगे ना उधर, और एक पटरी से आपको अच्छे से मिला देंगे, ठीक। अब आलेख भी से कह रहा था, अब इस ये जो रेखा खींची जाती है इसी के ऊपर समीकरण लिख दिया जाता है। ये कौन सी रेखा है? वाई बराबर तीन एक्स, यानी वाई बराबर तीन एक्स का ये आलेख विद है। पहले सवाल का चौथा सवाल देखते हैं। तो लिखा है तीन बराबर दो एक्स प्लस वाई। तो देखिए अच्छे से समझो, हमको तीन लाना है और दो एक्स प्लस वाई को जोड़कर। तो हमने कहा था सबसे पहले उसको माना कीजिए जिसमें गुणांक लिखा हो। तो देखिए यहाँ पर एक्स के गुणा में लिखा है, तो हम इसी को सबसे पहले मान लेते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले, चलो जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, मान लेते हैं जीरो। तो जब हम एक्स की जगह जीरो मानेंगे यानी दो जीरो जीरो प्लस वाई बराबर, ठीक। तो अब देखिए अच्छे से समझिए, अब देखिए दो जीरो जीरो हो गया यानी वाई का मान कितना आ गया? तीन। वाई का मान तीन आ गया। फिर अगर यक्स की जगह पर एक माने, कितना माने? एक। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे दो यक्कम दो प्लस तीन। अब लिखे इधर तीन है और ये जो प्लस का दो है आएगा, इधर लाएंगे तो माइनस का दो हो जाएगा, यानी वाई का मान कितना आ गया? तीन में से दो गया एक, ठीक। अब देखिए अच्छे से यहाँ पर समझिए, यक्स का मान कितना? एक, दो यक्कम दो और प्लस जोड़ना कितना? एक, तो कितना हो जाएगा? तीन। अब बात करते हैं अगर यक्स की जगह हम दो रख दें, यानी दो दूना चार प्लस वाई बराबर, इधर तीन लिखा है तो ये तीन हो जाएगा, ये दो दूना चार जो है इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो वाई का मान अब कितना आया? तीन में से चार गया माइनस का एक, ठीक। अब ये हो गया, ये हमारा दिया था समीकरण, उससे हम कुछ मान लिख लेते हैं। अब आते हैं आलेख वृत्त पर। तो कह रहा है यक्स पर जीरो और वाई पर तीन, तो यक्स का अक्ष कहाँ है? ये वाला। अब इस पर चलना कितना? जीरो। जीरो मतलब कुछ नहीं, यानी हम यहीं पर हैं अभी। अब हमको वाई पर कितना चलना है? तीन, यानी कहाँ जाना है आपको? तीन चलना है ना, प्लस का ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एक दो तीन, यानी इस बिंदु का नाम होगा जीरो कामा तीन, ठीक। फिर कह रहा है यक्स पर एक चलना और वाई पर एक। तो देखिए यक्स पर कितना चला हमने? एक, और वाई पर कितना चलना? एक, यानी कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ। पहले यक्स पर एक चले, फिर वाई पर भी चलना है, यानी हम यहाँ पर पहुँच गए, तो इस बिंदु का नाम होगा एक कामा एक, ठीक। फिर कह रहा है यक्स पर चलना है दो। तो देखिए अच्छे से समझो, एक दो यहाँ पर हम पहुँचे, लेकिन अभी हमको चलना है वाई पर, कितना? माइनस का एक। तो माइनस एक, देखिए वाई अच्छा ऊपर यहाँ से प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, यानी नीचे की तरफ आना है हमको, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए दो कामा चलना था, एक दो यहाँ पहुँचे, फिर माइनस एक आना, यानी एक कदम नीचे, एक कदम नीचे। तो इसका नाम है दो कामा माइनस एक, इस बिंदु का नाम। अब ये हमने लिख लिया, अब ये एक रेखा खींच लेंगे, पटरी से खींचना, सीधे एक ही रेखा में मिलेगा, कोई वो नहीं होगा। अब इस रेखा का नाम क्या होगा? तो इस रेखा का नाम होगा, कहाँ पर लिख दे, चलो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तीन बराबर दो एक्स प्लस वाई, ये इसका आलेख हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? बिंदु दो कामा चौदह से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण इस प्रकार लिखे। तो देखिए दो कामा चौदह, तो देखिए अच्छे से समझो, ये पहला वाला यक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है? वाई होता है। तो यक्स एच पर हमको दो चलना है और वाई एच पर चौदह। तो देखिए यक्स एच ये वाला है और वाई एच उधर है, तो यक्स एच पर दो चलेंगे यानी जीरो से एक दो, तो यहाँ पर पहुँचे, लेकिन अभी हमको वाई पर चलना है, तो वाई पर प्लस का चौदह चलना है, प्लस का चौदह ऊपर और माइनस होता तो नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से दो से चलेंगे एक दो तीन चार, इस प्रकार देखिए यह चौदह है यानी ये बिंदु हो जाएगा, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे दो कामा चौदह। अब यहाँ से कह रहा है से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो
तो देखिए दो रेखाओं के समीकरण क्या होता है, यानी कोई ऐसा समीकरण जिसमें x तथा वाई के ये मान रखे जाएं और इस वो संतुष्ट करें। तो देखते हैं, तो एक तो लिख देते हैं x प्लस वाई। अब अच्छे से समझो, x का मान 2 है और y का मान 14, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 16, क्योंकि ये 2 और ये 14, तो देखिए ये इसको संतुष्ट करेगा। तो एक समीकरण तो हमारा ये बन गया, ठीक, यानी x प्लस वाई बराबर 14, एक समीकरण हमारा ये हो गया, ठीक। और दूसरा समीकरण अगर हम बनाते हैं तो देखिए दूसरा समीकरण एक ये हो सकता है 7x माइनस वाई बराबर, अब यहाँ पर समझिए 7, x का मान कितना 2 माइनस वाई का मान 14, तो देखिए ये कितना 7 × 14 और 14 में से 14 गया यानी 0, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ठीक। तो यानी दूसरा समीकरण हमारा ये हो गया। अब ये जरूरी नहीं कि हम यही समीकरण रखें, बस मेन बात ये है कि जो x या y का मान हम रखें तो उसका जो है मान दो यानी उत्तर की जांच में वो संतुष्ट कर दे। देखिए इसकी अगर हम उत्तर की जांच करें तो x की जगह 2 और y की जगह 14 रखें तो 2 और 14 कितना होता है 16, यानी दोनों तरफ क्या आ जाएगा बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आया था बराबर, इसकी जगह 2 रखेंगे 7 × 14 और y की जगह 14, 14 में से 14 गया कितना आ गया 0। तो एक पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, और तीसरे समीकरण की अगर बात करें यानी कुछ भी आप ऐसा मान रख दीजिए जिससे हमारा समीकरण संतुष्ट हो जाए। जिससे अगर मान लो हमने यहाँ पर लिखा 7x, हमने यहाँ पर लिखा था, मान लो यहाँ पर अगर 9x माइनस वाई बराबर लिख दें, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, तो देखिए 9x की जगह 2 माइनस 14, तो 9 × 2 = 18 माइनस 14, यानी 18 में से 14 गया 4। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते 4, ठीक, अब अगर उत्तर की जांच करें तो बताओ दोनों तरफ बराबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक। हाँ, अब बात करते हैं, ये जब हमारे तीन समीकरण हो गए तो कह रहा से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए, तो इसी बिंदु से जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखना है। तो देखिए अगर हम चाहें तो समीकरण बना भी सकते हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पर अच्छे से समझो, इसका जैसे x और y का जब हम अगर ये चार्ट बनाएं फ्लो चार्ट, तो x का मान 2 और y का मान 14 और इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। फिर अगर हम x का मान कुछ और रख देते हैं, जैसे मान लो 3 और y का मान रख दें 13, फिर भी देखो 3 और 13 संतुष्ट कर रहा है, ठीक। तो ये 3 और 13 समझिए, x पर 3, ठीक, और y पर 13 चल रहा है, ठीक, x पर 3 और y पर 13 चल रहा है। अब यहाँ पर समझिए अच्छे से, जैसे यहाँ पर x का मान 2 था और अगर हम इसका भी चार्ट बना लें अगर उस प्रकार से, तो देखिए ये रेखा होगी ये वाली, और इस रेखा का नाम क्या है x प्लस वाई बराबर 16। अब देखिए इसमें अगर कोई अन्य भी बिंदु ले लेते हैं, अगर x पर हम मान लेते चलो डायरेक्ट मान लेते 10, ठीक, x का मान 10 तो y का मान कितना आया था 6, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 10 x पर और y पर कितना 6, तो कहाँ आते हैं ऊपर की तरफ जब आते तो ये बिंदु, ठीक, यानी यह आ गया 10, 6 यानी x पर 10 और y पर 6, यानी जितने भी बिंदु मिलेंगे इसी पर मिलेंगे। तो एक रेखा का समीकरण तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, अब अगर x का मान हम मान लेते हैं यहाँ पर x का मान मान लें अगर 5, तो 7 × 5 = 35, तो y का मान भी हमको यानी कुछ ज़्यादा ना मानते हुए x का मान चलो मान लेते हैं हम 1 या 2 या 1 मान लेते हैं, तो 7 × 7 और 7 y का मान भी कितना आएगा 7। देखिए कैसे, 1 माना हमने तो 1 × 7 तो 7 में से कितना घटाना होगा जो 0 आ जाए 7, और दूसरा तो वो हमारा ऑलरेडी 2, 14 ऑलरेडी था, ठीक, इसी बिंदु से 1, 7 यानी x पर चलेंगे 1 और y पर चलेंगे 7, ठीक, और दूसरा है 2, 14 यानी ये समीकरण हो जाएगा ये वाला, ठीक। इस समीकरण का नाम क्या हो जाएगा 7x − y = 0, ठीक। अब अच्छे से समझो, यहाँ पर कह रहा है इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो देखिए ये बिंदु जो है 2, 14 से जाने वाली रेखाएं कितनी हो सकती हैं, देखिए जब कोई एक बिंदु हो तो इस बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। देखिए इसी बिंदु से सभी रेखाएं जा रही हैं, ये भी और ये भी यानी सभी, तो हम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंदु
2,14 से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब बात करते हैं ये, जैसे अनंत रेखाएं मतलब तमाम रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो क्या जैसे इस रेखा का समीकरण x प्लस वाई बराबर 16 और इस रेखा का समीकरण 7x माइनस वाई बराबर 0, तो क्या सभी रेखाओं के समीकरण एक जैसे होंगे? देखिए जितनी रेखाएं खींचेंगी उसके प्रत्येक रेखाओं के समीकरण भी अलग अलग होंगे। तो ऐसा मत करना कि किसी के अगर किसी ने कुछ दूसरा समीकरण लिखा तो वो आंसर गलत नहीं होगा। आप कोई भी यहाँ पर दो समीकरण कह रहा था तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप यही समीकरण लिखो, कोई भी आप समीकरण लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते है कि x की जगह 2 और y की जगह 14 रखने पर उस समीकरण को संतुष्ट होता हो। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है यदि बिंदु 3,4 समीकरण, तो देखते 3,4 तो ये पहला वाला क्या होता है, ये x होता है, ये y होता है, तो x पर हमको चलना है 3 यानी 1, 2, 3 और y पर कितना चलना है 4, 4 कहाँ जाना है यानी ऊपर की तरफ जाना है हमको 1, 2, 3, 4, तो ये इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम हो जाएगा 3,4 यानी x पर कितना चला हमने 3 और y पर कितना चला है हमने 4। अब बात करते हैं आगे की, कह रहा है समीकरण 3y x प्लस सेवन के आलेख पर स्थित है, यानी कोई एक रेखा गई समीकरण गया है उसका नाम है 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है। देखिए जब किसी रेखा पर स्थित होता है यानी वो उसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तो लिखेंगे बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 पर स्थित है तो क्या संतुष्ट करेगा, क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट करेगा मतलब यानी दोनों तरफ क्या आ जाना चाहिए, बराबर, लेकिन बराबर आ जाता लेकिन यहाँ पर अंक की जगह ये लिखा है यानी चर की जगह, अचर की जगह यानी चर ये लिखा है तो उसी का मान यहाँ पर आ जाएगा, यानी लिखेंगे 3y बराबर ax प्लस 7, तो लिखेंगे 3y का मान कितना है 4 बराबर ax का मान कितना है 3 प्लस 7, ये 3×12 आ जाएगा और ये प्लस का 7 इधर जाएगा घट जाएगा और ये हो जाएगा 3a, तो 12 में से 7 गया 5 बराबर 3a, तो a इधर रोक लेंगे यानी 5/3, तो a का मान आ गया 5/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है, क्या है, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया है, यानी अगर आप ये दूरी तय कर रहे हैं तो जो पहला किलोमीटर होगा उसका किराया कितना, यहाँ से आप मान लो दूरी तय की तो पहले किलोमीटर का किराया कितना है 8 रुपया और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया। अब अगर जब भी 1 किलोमीटर और चलेंगे तो उसका 5 रुपया लेगा, फिर आगे 1 किलोमीटर जाएंगे फिर 5 रुपया लेगा, फिर 1 किलोमीटर चलेंगे 5-5, यानी जो पहला किलोमीटर है यानी ये जो दूरी है पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये की दूरी, आगे आप कहीं पर भी जाएं तो 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता जाएगा, 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है, अब तय की गई दूरी या उसके लिए हम बात में बात करते हैं, सबसे पहले इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैटर समझिए, जिससे मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर ये मान लो 1, 2, 3, 4 अगर 4 किलोमीटर की दूरी तय की तो बताओ कितना किराया पड़ेगा। तो 4 किलोमीटर की दूरी तय की है तो देखिए कितना पड़ेगा, पहले 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 5, 23 रुपया पड़ेगा, ठीक। और फिर अगर 1 किलोमीटर और चल लें यानी 5, फिर इसका भी 5 पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, अगर 5 देखिए 4 किलोमीटर पर 23 है और 5 किलोमीटर पर कितना है 23 और 5 कितना पड़ गया 28, ठीक। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन मान लो डायरेक्ट अगर उसने पूछ लिया कि यानी 50 किलोमीटर का कितना पड़ेगा,
ठीक, तो क्या करेंगे इस प्रकार से आप डरा करेंगे तो ये कठिन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अच्छे से समझो, मान लेते हैं इसमें फर्क कितना है, सिर्फ यहीं पर 3 रुपया वो एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी 30 रुपया प्लस यानी ज़्यादा ले रहा है, बाकी सभी देखिए अगर यहाँ पर 5 लेता तो बाकी तो सबका 5 था, सिर्फ यहाँ पर यानी पहले किलोमीटर के लिए 3 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है, यानी मेन पॉइंट ये है कि 3 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। अब देखिए अच्छे से समझो, 4 किलोमीटर आपको जाना है, अगर 4 किलोमीटर के 5 रुपये के हिसाब से जोड़े तो कितना हुआ 20, और यहाँ पर आंसर कितना आया 23, क्यों, क्योंकि ये जो 3 रुपये एक्स्ट्रा लिया था उसने जोड़ दो कितना आ गया 23, ठीक। फिर यहाँ पर 5 किलोमीटर के लिए बात करते हैं, तो देखिए 5 किलोमीटर गया था, 5 रुपये में जोड़ो कितना हुआ 25, लेकिन लिखा कितना है 28, क्यों, क्योंकि वो जो 3 रुपया एक्स्ट्रा है वही जोड़ देना होता है, ठीक। तो अब हमने पूछा था आपसे 50 किलोमीटर का, तो 50 किलोमीटर के लिए वही आसान तरीका, क्या करेंगे 5 रुपये में सबसे पहले जोड़ दो कितना आ गया 250, और ये जो 3 रुपया एक्स्ट्रा है उसी को लिख दिया जाए तो हो जाएगा 253 रुपया कुल किराया, ठीक। अब देखिए हमारा ये समझाने का मकसद ये था, मतलब ये जितनी दूरी हो, ठीक, इसका मतलब क्या हमने बताया, जैसे जितनी किलोमीटर है 50 किलोमीटर, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, तो दूरी को जितनी दूरी आप चलेंगे उसमें 5 से गुणा कर देंगे, फिर कितना जोड़ देंगे वो जो एक्स्ट्रा वाला 3 था उसको जोड़ देंगे, तो इधर आ जाएगा कुल किराया, कुल किराया। अब देखते हैं इस सवाल पर गौर करते हैं, तो दूरी इसमें दिया है, तय की गई दूरी यक्स किलोमीटर है, यानी यहाँ पर 4, 8, 9, 10 ना देकर दिया है यक्स किलोमीटर, इसको 5 से गुणा करेंगे फिर 3 जोड़ देंगे तो इसका टोटल रिजल्ट आ जाता है कुल किराया। तो कुल किराया भी इसमें दिया हुआ है, कुल किराया वाई रुपया, कितना वाई रुपया, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट समीकरण के रूप में जब लिखेंगे तो 5 का x से गुणा करेंगे, यानी ये आ जाएगा 5x, फिर प्लस का 3 जोड़ देंगे बराबर कितना y, ये आ जाएगा 5x प्लस 3 बराबर y। तो अब इसका क्या होगा, ये जो y है इधर ले आएंगे, ठीक, तो ये जो y है इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का y, प्लस का 3 बराबर 0, तो ये हो गया हमारा समीकरण, ठीक। अब बात करते हैं इसको समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए, अब इसको आलेख यहाँ पर खींचना है, तो यानी हमको x और y के 3 या 4 मान ले लेते हैं, उसी की मदद से हम खींच लेंगे। तो देखिए अब अच्छे से समझो, जैसे अगर इसमें x बराबर 1 रख दे, x बराबर 1, ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए x की जगह पर जब 1 रखेंगे तो अच्छे से समझो, ये हो जाएगा 5 एक कम 5, और ये 3 कितना हो गया 8, तो y की जगह कितना लिखना होगा 8, यानी माइनस का 8। अब देखिए समझिए, 5 3 8, 8 में से आठ गया 0, ठीक। अब दूसरा मान अगर रख देते हैं x की जगह पर 2, x की जगह पर 2, तो 5 दूना 10, और 10 में 3 जोड़ो 13, तो कितना घटाना होगा हमको 13, यानी y की जगह वो संख्या देखे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, तो 10 और 3 13, और माइनस का 13 रखेंगे तभी 0 आएगा, ठीक। अच्छा आप बात करते हैं अगर 2 रखें, x की जगह 2 तो रख चुके हैं, अब 3 रखते हैं अगर x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 5 3 15 3 18, तो कितना घटाना होगा 18 घटाना होगा। अब इसका आलेख खींचते हैं, यानी x पर 1 y पर 8, तो x पर कितना 1 और y पर 8, तो y पर 8 है यानी यहाँ पर 6 फिर 7, 6 ये 7 8, फिर ये इसका निर्देशांक हो जाएगा 1, 8, ठीक। फिर y x पर 2 और y पर 13, तो देखिए x पर कितना 2 चल रहा है और y पर 13, तो देखिए ये 2 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये 8 हो गया, 9 10 11 12 13, यानी यहाँ पर लगाना होगा, ठीक। तो इसका निर्देशांक का नाम हो जाएगा 2, 13, ठीक। फिर 3, 18, यक्स पर 3 यानी 1, 2, 3 यहाँ आएंगे और फिर उस पर 18 जाएंगे, यानी यहाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी ये लगभग यहाँ पर होगा, ये इसका नाम होगा 3, 18। तो ये रेखा खींच देंगे इस प्रकार से कि इन तीनों बिंदुओं को आपस में छुएगी, ये हमारा आलेख खींच जाएगा, और इसका समीकरण का नाम क्या होगा, 5x - y + 3 = 0, इस प्रकार से आप खींच लेंगे।
प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में सही समीकरण का चयन कीजिए। तो कह रहा है आकृति 4.6 ये है और ये है आकृति 4.7 के लिए। तो यहाँ पर एक सही विकल्प को आपको चुनना है। तो पहला कह रहा है वाई बराबर यक्स। देखिए वाई बराबर क्या यक्स सही है? देखिए कैसे, अच्छे से समझो। अगर संतुष्ट हो रहा है, ये जो बिंदु दिए हैं -1, 1 और 0, 0 1, -1 से, तो तब तो सही है। तो यहाँ पर मैटर समझिए, वाई बराबर एक्स, क्या वाई और एक्स दोनों बराबर हैं? तो यहाँ पर तो 0, 0 से संतुष्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है। देखिए कैसे, जैसे वाई बराबर एक्स दिया है, तो अगर देखिए यहाँ पर समझिए, पहला वाला क्या होता है, एक्स होता है और दूसरा वाला वाई होता है। तो एक्स का मान यहाँ पर दिया है -1 और वाई का मान 1। तो अच्छा एक चीज़ बताओ, 1 और -1 क्या बराबर होता है? नहीं। इसका मतलब ये हमारा संतुष्ट नहीं हो रहा, यानी ये विकल्प हमारा सही नहीं है। फिर बात करते हैं x प्लस वाई बराबर 0। अगर x और y को जोड़ें तो 0 आना चाहिए। तो देखिए x का मान है -1 और y का मान है 1, अगर इसको जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। पहला तो संतुष्ट है। अब बात करते हैं 0, 0 रखते हैं, x की जगह 0 रखें, y की जगह 0, इसको जोड़ें तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी दोनों तरफ देखिए x प्लस वाई का मान 0 आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं x का मान 1 और y का मान -1 और इसको जोड़े तो कितना आएगा, ये भी हमारा प्लस माइनस माइनस बराबर 0, यानी 0, 0, यानी ये हमारे तीनों संतुष्ट हो रहे हैं। और जब तीनों संतुष्ट होंगे, यानी ये वाला जो समीकरण आंसर होगा x प्लस वाई बराबर 0, इस समीकरण का हल है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा अन्य को भी संतुष्ट कर लो, y बराबर 2x, तो y, अब देखिए इसमें रखते हैं y का मान कितना है 1 और 2, x का मान -1, तो 1 बराबर -2 क्या बराबर है? नहीं, यानी ये भी हमारा संतुष्ट नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं तीसरे को, 2 + 3y = 7x। अगर पहले हम इसको रख कर देखते हैं, 2 + 3 × 1, y का मान 1 बराबर 7, x का मान कितना यहाँ पर है 1, तो ये हो जाएगा 2 + 3 = 7, माइनस का ये 5 = -7, तो क्या बराबर है? नहीं। तो ये भी हमारा संतुष्ट नहीं हो रहा है। तो संतुष्ट कौन हो रहा है? प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्प में सही समीकरण का चयन कीजिए। तो सही समीकरण है हमारा सेकेंड वाला, ठीक, x प्लस वाई। अब बात करते हैं 4.7 के लिए। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, वाई बराबर एक्स प्लस 2। अब इसमें रखकर संतुष्ट करते हैं। पहले अगर इसको संतुष्ट करें या कोई भी रख लें, यानी जो तीनों संतुष्ट करेंगे, जब तीनों 1, 2, 3 ये तीनों रखने पर संतुष्ट हो जाए, तब तो हमारा सही समीकरण है। तो देखते हैं, सबसे पहले मान लो इसको रख देते हैं, तो देखिए इसमें समझिए, ये x का मान 0, y का मान 2 है। तो देखिए y का मान कितना है 2, x का मान 0, और ठीक, तो ये 2 = 2, यानी दोनों तो तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब ये समीकरण अभी तक तो संतुष्ट कर रहा है, यानी इसको तो संतुष्ट कर रहा है। अब अगर इसको रखते हैं इसी की जगह पर, y का मान कितना है इसमें 0, x का मान कितना है 2 + 2, कितना आ गया 4। अब संतुष्ट हो रहा है? नहीं। इसका मतलब ये समीकरण हमारा सही नहीं है। समीकरण सही वही होगा जो इन तीनों बिंदुओं को संतुष्ट करेगा। बस फिर बात करते हैं सेकेंड वाले की, x माइनस 2, ठीक। अब देखते हैं इसमें भी किसी को रख लेते हैं, मान लो इसी को हम पहले रख देते हैं, तो y का मान इसमें कितना दिया है 2, x का मान 0 माइनस 2, तो ये भी हमारा संतुष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 है। इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। फिर बात करते हैं इसको रखकर, यानी y बराबर -x + 2। तो किसी, यानी तीनों को रखना है तो पहले किसी को भी रख लेते हैं। अगर 0, 2 रखते हैं, इसको रखते हैं, तो अच्छे से समझो, y की जगह कितना रखना है 2 और x की जगह -0 + 2, तो ये आ गया 2, 2 में से 0 गया यानी 2, यानी ये तो संतुष्ट हो रहा है। अब इसी की जगह आप किसको रखते हैं, ये संतुष्ट हो गया, अब इसको रखते हैं, ठीक। इसमें अच्छे से समझो, x की जगह कितना है 2, y की जगह 0, y की जगह 0 रखेंगे और x की जगह पर 2, ये माइनस लिखा है, फिर x की जगह पर 2 + 2, तो ये आ जाएगा -2 + 2, ये गया कट, यानी दोनों तरफ 0 आ गया, यानी ये दूसरा वाला भी संतुष्ट हो गया। अब बात करते हैं इस तीसरे वाले की, ठीक, अच्छे से समझो, ये x का मान कितना है -1 और
वाई का मान 3, तो वाई का मान 3, ये माइनस हो गया सवाल वाला, और एक्स का मान कितना है माइनस का 1 और प्लस 2, तो ये हो गया 3 बराबर माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, यानी 3 प्लस बराबर 3, दोनों तरफ क्या आ गया बराबर आ गया। इसका मतलब ये जो है हमारा समीकरण क्या है, एकदम सत्य है। अब इसमें देखते हैं, इसमें अगर हम मान लो इसी को रख दें तो x का मान कितना है 0 प्लस 2, वाई का मान 2 बराबर 6, तो 2 दुना 4 बराबर 6, तो क्या बराबर है? नहीं। इसका मतलब हमारा सही समीकरण कौन सा है, ये भी गलत है, यानी सही समीकरण हम लिखेंगे तो आंसर में लिखेंगे कौन सा सही है, थर्ड वाला, वाई बराबर माइनस का एक्स प्लस का 2, ये हमारा समीकरण क्या है, एकदम सत्य है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपानुपाती होता है। यानी यहाँ पर अच्छे से समझिए, पिंड द्वारा किया गया कार्य जो है पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुपानुपाती है, ठीक, अनुपानुपाती है। इस कथन को दिए दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको कह रहा है दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहां पर मानेंगे, माना दूरी को x तथा कार्य को मान लेते हैं y, हमने मान लिया। फिर कह रहा है और अचर बल 5 मात्रक लेकर, यानी बल, बल को कहते हैं f, बल को कहते हैं एफ, जो है 5 मात्रक, ये फिक्स दिया है, यहाँ पर लिखा है और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी। अब यहाँ पर अलग अलग सवाल दिए हैं, तो सबसे पहले तो हम इसका समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण क्या होता है ये, अब यहाँ पर एक सवाल बात कह दिया था इसने, किया गया कार्य जो है दूरी के अनुपानुपाती है, तो अनुपानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जैसे हम सूत्र जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो अब यहां पर समझिए अच्छे से क्या होता है, ये समय का सूत्र मान लो दिया है, ठीक। अब यहां पर समझिए, अगर कोई हर चीज फिक्स कर दी जाए, अच्छे से समझो, अगर दूरी 50 किलोमीटर है या हम मान लेते हैं 500 किलोमीटर है, और चाल है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है दूरी, ठीक, यानी 500 किलोमीटर। अच्छा अब एक चीज बताओ, दूरी कितने हमने लिखा, मान लो 500 किलोमीटर और चाल लिखा 100 किलोमीटर, तो कितने घंटे में तय करेगा, 5 घंटे में, कितने 5 घंटे में तय कर देगा। अब देखिए हमने अनुपानुपाती क्या समझा, अनुपानुपाती का मतलब ये होता है कि, अब अनुपानुपाती होता कौन, देखो ये समय के बिल्कुल सामने लिखा है, ठीक, तो ये अनुपानुपाती है, और इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो इसका मान अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक, अगर इसको हम घटा देंगे तो इसका मान अपने आप घट जाएगा, ठीक। देखिए कैसे, यहाँ पर दूरी कितनी थी 500 किलोमीटर, सो ये तो चाल निश्चित है, और तो इसका आंसर आज 10 घंटे में, कितने घंटे में 10 घंटे में, अगर इसकी दूरी 600 किलोमीटर कर दिया जाए, ठीक, यानी 5 घंटे में आया था वो, अब जब 600 किलोमीटर हो जाएगा तब कितना आया 6 घंटे, अगर इसको हम 300 किलोमीटर यानी कम कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो अनुपानुपाती का मतलब होता है कि अगर जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये मान बढ़ेगा, अगर इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा, यानी अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आप देखिए समय और दूरी, ये समय दूरी क्या है अनुपानुपाती, ये क्या है समय और दूरी, क्या है समय और दूरी, तो ये है अनुपानुपाती, अनुपानुपाती। इसका मतलब क्या, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, यानी अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, और ये क्या है समय और चाल की अगर बात कह दे तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। समय ये हम लिखेंगे 1/4, अब ये व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/4, अब इसका मतलब क्या है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ठीक, और इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, यानी अपोजिट होता है। देखिए कैसे, अभी हम बता रहे हैं, जैसे यही सवाल है, मान लीजिए तो हमने कहा कि अगर इसको बढ़ाएंगे इसको, अब जैसे मान लो इसको बढ़ा दें, यहाँ पर ये 300 की स्पीड है,
300 किलोमीटर अगर इसकी स्पीड बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 300 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, पहले जब 100 था तो इसका आंसर आया था 3 घंटे में, कितने 3 घंटे में। अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी यानी 300 की स्पीड में चलेगा तो यही दूरी एक ही घंटे में तय कर देंगे, जब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। अच्छा, अब अगर इसको घटाएंगे तब समय बढ़ जाएगा। देखिए 300 की स्पीड की जगह अगर वो 50 की ही स्पीड में चले तब लगेंगे 6 घंटे। ठीक, ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो अब हम बात आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो ये सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे दूरी। ठीक, तो अब देखिए अच्छे से समझो, कार्य का यहाँ पर क्या है वाई, और बल क्या क्या है वो तो 5 मात्रा के एकदम फिक्स है, ना कम ना ज़्यादा, और दूरी को है यक्स। तो यही हमारा समीकरण बन जाएगा वाई बराबर फाइव एक्स। अब यहाँ पर सवाल कह रहा है पहले में 2 मात्रक है और दूसरे में 0 मात्रक है। तो क्या है 2 मात्रक, अच्छे से समझो और लिखिए अच्छे से। यानी अब ये हमने ये बना दिया चार्ट, ये दूरी के लिए है और ये कार्य के लिए, क्योंकि दूरी को यक्ष से कहते हैं और कार्य को वाई से कहते हैं। तो इसको जब हम यहाँ पर संतुष्ट करेंगे तो इसका मतलब अच्छे से समझो वाई बराबर 10, इसका आंसर जब लिखेंगे, देखिए अच्छे से समझो, इसका आलेख खींचना अलग बात है। आलेख अगर बात करते हैं आलेख की, तो वाई बराबर 5x, तो आलेख तो इस प्रकार से खींचेंगे, इसमें क्या होता है यक्ष होता है और वाई होता है। तो यक्स की जगह जब 1 रखेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए वाई जो है इसका 5 गुना है। देखिए वाई इसका 5 गुना है क्योंकि गुणा है 5 गुना है, लेकिन गुणा उधर हो रहा है। अगर यक्स की जगह 1 रखेंगे तो वाई की जगह 5, अगर यक्स की जगह 2 रखेंगे तो वाई की जगह 10, ठीक, अगर यक्स की जगह 3 रखेंगे तो वाई की जगह 15। तो यक्स की जगह 1 और वाई की जगह 5 यानी यहाँ पर, ठीक। फिर अगर x की जगह 2 और y की जगह 10, तो y की जगह 10, 6, 7, 8, 9, 10 मान लें यहाँ पर। तो ये हमारा इसका नाम हो जाएगा 1, 5 और ये हो जाएगा 2, 10 और अगर तीसरा निकालेंगे तो 3, 15, ठीक, लगभग इस प्रकार से बनेगा 3, फिर 15 और ये हमारा रेखा इस प्रकार से खींच जाएगी और इसका नाम होगा y बराबर 5x। यही समीकरण था। लेकिन अब हमारा सवाल कह रहा है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी का मान यहां पर 2 मात्रक दे दिया है, ठीक, यानी इस x का मान उसने दिया हो, तब तय की गई इस आलेख इस पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 मात्रक है, तब आपको कार्य ज्ञात करना है। तो देखिए कार्य कितना हो जाएगा 5, पहला सवाल, दूरी अगर 2 मात्रक है तो कितना हो जाएगा 10 जूल, ठीक, और दूसरा सवाल है अगर कार्य 0 मात्रक है यानी 5x का मान 0 यानी 0 आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। प्रश्न 7 कह रहा है एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान दिया, यानी दोनों ने मिलकर एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है, आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं, इस समीकरण को आलेख खींचे। तो लिखेंगे, कह रहा है x और y मान सकते हैं, यानी लिखते हैं माना यामिनी ने दिया x और फातिमा ने दिया y रुपया, ठीक। अब एक बात तो निश्चित है कि दोनों ने मिलकर 100 रुपये दिए, यानी हमारा समीकरण जो बनेगा x + y = 100, ये हमारा समीकरण बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा था अंश एक रैखिक समीकरण लिखिए, तो रैखिक समीकरण हमारा ये बनेगा यानी x और y दोनों ने मिलकर कितना दिया 100, ये हमारा बन गया समीकरण, ठीक। अब कह रहा है इस समीकरण का आलेख खींचना है, तो इसका मतलब दोनों को मिलाकर कितना होना चाहिए 100, तो देखते हैं x और y, तो समीकरण खींचने के लिए यहाँ पर ये ठीक कुछ अपने आप मर्जी से मान लेते हैं और फिर उसी की मदद से हम एक समीकरण खींच देते हैं। अच्छा, अगर x की जगह हम 50 रख दें तो y कुछ यानी 50 और y की जगह कितना रखना होगा 50, कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाए 100। अगर y x की जगह हम मान लेते हैं 60,
ठीक, तो वाई की जगह कितना रखना होगा 40, क्योंकि 60 और 40 100। अगर यक्स की जगह हम रखते हैं 40, तो वाई की जगह कितना रखना होगा 60, क्योंकि दोनों को मिलाकर कितना आना चाहिए 100। अब हम इस पर ड्रा करते हैं, तो 50 यानी एक्स पर कितना चल रहा है 50, तो हमारा 50 तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपया। तो यहाँ पर आपको 50 चलना है, यानी 5 चलेंगे, ठीक, या हम लिख चाहें तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक, और इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। तो देखिए x पर 50 चलना है, तो देखिए ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर आप पहुँचे, और y पर चल रहा है 50, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे 50, तो ये 50 है ना, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक, ये 50 के एकदम सीध में, तो इसका निर्देशांक हो जाएंगे 50, 50। अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। अब कह रहा है x पर 60 और y पर 40, तो 60 देखिए 50 ये है, फिर ये 60, यानी x पर 60 यहाँ पर पहुँचे, और फिर y पर 40 यानी ऊपर की तरफ जाना है, तो ये यहाँ पर, तो ये हो गया 60, 40, ठीक। फिर x पर चलना है 40 और y पर कितना है 60, तो x पर ये 40 और y पर 60, तो देखिए यानी ये वाला भी, ये हो गया 40, 60, यानी x पर 40 और y पर 60। तो ये समीकरण हमसे कह रहा था आलेख खींचना है, तो ये एक हमारी सीधी रेखा बनेगी, ठीक, इस रेखा का नाम हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। तो यही हमारा आलेख सही है, करेक्ट है, यही हमारा बनेगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, और जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापता है, जैसे अपने भारत में जो है सेल्सियस में नापते हैं, और अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में फ़ारेनहाइट में नापते हैं। यहाँ फ़ारेनहाइट और को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, यफ बराबर 9/5 C + 32। इसमें क्या होता है, फ़ारेनहाइट को हम सेल्सियस में बदल सकते हैं और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो पहला सब पार्ट इसका सॉल्व कह रहा है, सेल्सियस को यक्स अक्ष, यानी ये जो यक्स अक्ष है ये है हमारा सेल्सियस वाला मीटर सेल्सियस, और जो ये वाई अक्ष है ये किसका मीटर है, फ़ारेनहाइट का, फ़ारेनहाइट का, ठीक, को वाई अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचे। अब रैखिक समीकरण कौन सा, ये वाला, तो ये यहाँ पर अच्छे से समझिए, इसने कहा था सेल्सियस को यक्स अक्ष, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्सियस को यक्स अक्ष और फ़ारेनहाइट को वाई अक्ष। अब इसको उस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, फिर इसको हम आलेख खींच सकते हैं। अब अच्छे से समझो, यहाँ पर उसी को सबसे पहले माना करो जिससे हमको बनाने में आसानी हो। तो हम देखिए C को जो लेंगे वो 5 का गुणक लेंगे, 5 का गुणक क्यों लेंगे, क्योंकि ये 5 से 5 बटे में कट जाएगा, और अगर 10 लेंगे फिर भी कट जाएगा। तो देखिए जब हम C की जगह यानी x अक्ष की जगह 5 रखेंगे, तो ये 5 से 5 गया कट, और 9 और 32 कितना हो गया 41। अच्छा अगर C की जगह 10 रखें, ठीक, तो देखिए 5 × 2 = 10, यहाँ पर 10 जो होगा तो 2 आ जाएगा, 9 × 2 = 18, और 18 और 32 कितना होता है 50। अब अगर इसकी जगह C की जगह 15 यानी 5 का गुणक में रखा करो ताकि कट जाए, तो आ जाएगा 3, तो 9 × 3 = 27, और 27 और 32 को जोड़ लो कितना आ गया 9, 61, और ये कितना हमने रखा था 15, ठीक। अब इसको जब हम ग्राफ पर निरूपित करेंगे तब देखिए कैसे, अब देखिए ये 5, 10, 15 तो हमारे पास इधर है नहीं, चलो ये कैसे एडजस्ट भी हो जाएगा, ये 61, 50 यानी इस पर 1, 2, 3, 4 नहीं, तो इसके लिए हमने क्या लिया 1 सेंटीमीटर = 5 मात्रक, ठीक, यानी ये जो 1, 1 था वो 5, 5 के बराबर मानेंगे, ठीक। तो अब हम इसका जब आलेख खींचेंगे तो सेल्सियस यानी x अक्ष पर कितना चल रहा है 5, तो 5 यानी ये पहला पॉइंट कितना का 5, 10, 15,
20, ठीक। तो पहले पर चलना है 5 और फारेनहाइट पर चलना है 41। तो 41 देखिए कहाँ निकलेगा, 5, 10, 15, 20, 25 और फिर 30, 35, 40, ठीक। अब 41 कह रहा है ना, तो इस पर 5 पर आएंगे फिर 41 जाएंगे, यानी 40 के थोड़ा ऊपर, ठीक। 5 फिर यहाँ पर, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 5.41, 5.41। फिर 10 50 कह रहा है, तो देखिए अच्छे से समझो, ये 10 है और 50 देखिए 40, फिर ये 45, फिर ये 50, तो ये 50 के सीध में एकदम होगा और ये 10 से जाएगा ना ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पर। तो इसका नाम क्या होगा, 10.50, ठीक। फिर 15.61, तो ये 15 से 61 पर जाएगा, यानी ये 50 था, ये 55, ये 60 लगभग यहाँ पर। तो यानी इसका नाम हो जाएगा 15, देखिए 15 के सीध में जाएगा, ठीक, 15.61। तो ये आ गया, ये हमारा बनेगा ये रेखा, ठीक। यानी इस का ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। तो इस ग्राफ के समीकरण का नाम क्या होगा, इसका समीकरण का नाम है F बराबर 9/5 C+32। इस ग्राफ का नाम है और इस प्रकार से यह आलेख बनेगा। सेकेंड देखते हैं, यदि तापमान 30 सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा। जैसे अगर सेल्सियस वाला मीटर ले जाएंगे तो बताएगा 30 सेल्सियस, तो फारेनहाइट वाला अगर मीटर ले जाएंगे तो वो तापमान क्या होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है F बराबर 9/5 C+32, ठीक। तो देखते हैं 9/5 और C की जगह कितना, 30+32। तो देखिए ये 5 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5×6=30 और 9 की इसमें 6 में गुणा होगी, 9×6=54+32, तो ये कितना हो जाएगा, 4×2=6 और 5×3=8, यानी 86 फारेनहाइट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल देखते हैं, यदि तापमान 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस पे तापमान क्या होगा। सूत्र हम वही लिखेंगे जो भी लिखा था, 9/5 C+32, ठीक। अब देखते हैं अच्छे से समझो, फारेनहाइट दिया हुआ है, यानी 95 बराबर 9/5 C+32। अच्छा, अब ये जो 32 प्लस का इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी 95 - 32 = 9/5 C। अब अच्छे, यहाँ 5 में से 2 गया कितना आ गया, 3 और 9 में से 3 गया 6, 63 = 9/5 C। अच्छा, अब ये जो 5 है बटे में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, गुणे में, यानी 63 × 5 = 9 C। अब देखिए 5×15 = 5×6=31 = 9 C। अब ये जो 9 है ये गुणे में है तो कहाँ जाएगा, इधर बटे में जाएगा, बराबर C। अब 9 से जब इसको भाग दे देंगे तो C बराबर आ जाएगा, 9×3=27, कितना बचा, 4 और 45 हो गया, 9×5=45, यानी C का मान जो आ गया 35 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट तापमान में 95 डिग्री फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा, 35 सेल्सियस। अब जैसे हम लोगों में जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान तापमान कितना होता है, अगर 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट में कितना होता है, 98.4 फारेनहाइट होता है, ठीक। ये 37 इस प्रकार से होता है। देखते हैं सवाल नंबर 4 पॉइंट में, यह तापमान 0 सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यह तापमान 0 फारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो दोनों में रखते हैं, सबसे पहले तो हम लेते हैं सेल्सियस में, जब 0 सेल्सियस है और एक सवाल होगा फारेनहाइट में कितना है, 0 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पर कह रहा है जब 0 सेल्सियस है तो फारेनहाइट में क्या होगा, और यहाँ पर कह रहा है फारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या होगा। सूत्र हम वही लिखेंगे
एफ बराबर 9 बटे 5, सी बराबर 32। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, 9 बटे 5, सी की जगह 0 है ना, प्लस 32। तो ये जब 0 से इसमें गुणा हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 यानी 32 आ गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एफ बराबर दिया है ना। तो एफ अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट वाला मीटर जो बताएगा उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बात करते हैं अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस कितना होगा। तो देखिए सूत्र होता है एफ बराबर 9 बटे 5 सी प्लस 32। अब यहाँ पर एफ दिया है 0 बराबर 9 बटे 5 सी प्लस 32। अब ये जो 32 प्लस का है इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ठीक, बराबर 9 बटे 5 सी। अब अच्छे से समझो, ये जो 5 है बटे में कहाँ जाएगा, गुणे में जाएगा, बराबर 9 सी। तो ये हो जाएगा 5 दुनी 10, 5 ते 15, 1 16, बराबर 9 सी। अब ये 9 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो देखिए सी बराबर हो जाएगा माइनस का 160 बटे 9। 9 से जब इसको भाग देंगे, 9 एक कम 9 कितना बचा, 7, 70 हो जाएगा। तो 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, 9 सती 63, कितना बचा 7, फिर 9 सती 63 यानी 17.7 डिग्री सेल्सियस। तो यानी अगर फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो ये हो जाएगा माइनस का 17.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और अगर सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट वाला मीटर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ उसे ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी तक हमने जो देखा है या इससे पहले अगर आप गौर करेंगे तो देखते हैं जब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो उसका आंसर सेम नहीं आता है, कुछ ज़्यादा या कम आता है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है क्या ऐसा भी कोई तापमान है जिसका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए संख्यात्मक मान समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर हाँ, ऐसा एक संख्यात्मक मान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों तापमानों पर समान है। हाँ ऐसा तापमान, हाँ ऐसा तापमान है जो सेल्स 0 यानी डिग्री सेल्सियस तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान है, संख्यात्मक मान समान है। अब देखिए कौन सा है, तो लिखेंगे माना वह ताप टी है। मैंने माना कि वह ताप टी है जो डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट तापमान में बराबर आता है। तो सूत्र लिखेंगे एफ बराबर 9 बटे 5 सी बराबर प्लस 32, यानी एफ की जगह भी टी लिखेंगे और सी की जगह भी टी लिखेंगे, प्लस 32। अब अच्छे से समझो, ये जो 32 प्लस का है इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का 9 बटे 5 टी। अब अच्छे एक चीज़ समझो, ये 5 कहाँ जाएगा, गुणे में, और ये 9 कहाँ जाएगा, अब पहले ये 5 जो बटे में लिखा है इसको गुणे में ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा टी माइनस 32 और ये 5 इधर गुणे में आ गया, बटे में था ना, बराबर 9 टी। अब ये हो जाएगा 5 टी माइनस 32 से जो गुणा होगी, 5 दूनी 10, 5 तेरह 15, 16, बराबर 9 टी। तो 116 या 5 टी और ये प्लस का 9 टी है इधर लाएंगे, माइनस का 9 टी हो जाएगा, ये प्लस का 160 है तो उधर जाएगा, माइनस का है तो उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 5 टी में से 9 टी गया यानी बचा माइनस का 4 टी, बराबर 160। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 160 बटे 4 माइनस का है, और इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा माइनस का 40। अब ये जो माइनस 40 है ये लिखेंगे माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस का 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों तापमान समान होता है, ठीक। इसको आप किसी को भी चेंज करेंगे कि अगर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है और इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो वो इतना ही आएगा, माइनस 40 ही आएगा,
-40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, और अगर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है उसको चेंज करना हो तो वो भी आएगा -40, यानी दोनों के संख्यात्मक मान समान है, यानी -40 डिग्री सेल्सियस बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा आंसर हो गया क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 4.3 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, और नए हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।